ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी की। राज्य सरकार ने कोविड 19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्चे वहन करने का फैसला लिया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के 2 जिलों बिलासपुर और जशपुर में लॉकडाउन बढ़ाया गया। और प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जा रहा है ईद उल फितर और अक्षय तृतीया का पर्व। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि देश पूरी मजबूती और समर्पण से कोरोना महामारी की चुनौती से उबर जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मुश्किल घड़ी में हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी करने के बाद एक वर्चुअल कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा की घड़ी में देश के प्रति दृढ़ सेवा भाव दिखाया है। गांव का किसान का कोरोना के विरुद्ध भारत की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आपके ही श्रम का परिणाम है कि आज इस कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी रही है। कोविड महामारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में इसके मामले सामने आए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतों से आग्रह किया कि वे अपने अपने इलाकों में समुचित साफ सफाई रखने के लिए लोगों को जागरूक करें। देश में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बारे में बोलते हुए श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से टीके के लिए पंजीकरण कराने और कोरोना से बचने के नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड 19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्चे वहन करने का फैसला लिया है। यह योजना मौजूदा वित्त वर्ष से ही लागू हो जाएगी। कोविड संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमण के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। इसके अलावा ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को 500 रूपए प्रतिमाह और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 1000 रूपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति राज्य शासन प्रदान करेगी। इस छात्रवृत्ति के लिए सभी बच्चे पात्र होंगे, चाहे वे शासकीय स्कूल में पढ़ते हों या निजी स्कूल में। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो गई है तो उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य के अनेक जिलों में ऐसे बच्चों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, साथ ही विभिन्न आश्रय गृहों में उनको ठहराने की व्यवस्था भी की जा रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है। ऐसे बच्चों को आश्रय और उचित परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 572 3
669 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 पर भी जानकारी दी जा सकती है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 9000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 8,92,000 से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में लगभग 1,19,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 195 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच राज्य में संक्रमण की दर में कमी आने लगी है। कल तक के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर घटकर 13% रह गई है। बिलासपुर जिले में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कोविड संक्रमण से होने वाली मौतें अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। इसे देखते हुए बिलासपुर जिले में 24 मई की रात 12 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन अवधि में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु चिकित्सालय और पेट्रोल पंप को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। जिले में प्रत्येक रविवार को अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। वहीं जशपुर जिले में भी लॉकडाउन को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान जिले की झारखंड ओडिशा सीमा पूरी तरह सील रहेगी। आवश्यक चीजों को छोड़कर सभी दुकानों पे बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चुनौतियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कोरोना की तीसरी संभावित लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के शासकीय मेडिकल अस्पतालों के प्रमुखों से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने विशेषज्ञों से पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए आवश्यक तैयारियों के साथ ही संसाधनों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों से कहा गया है कि राज्य में कोविड मरीजों के इलाज और उनकी रिकवरी संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण कर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव स्वास्थ्य विभाग को भेजें। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्र सरकार अगले 15 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,90,00,000 टीके निःशुल्क भेजेगी। इसमें 1,62,50,000 कोविशील्ड और 29,49,000 कोवैक्सीन के टीके शामिल हैं। ये टीके 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगाए जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिला चिकित्सालय में पत्रकारों के लिए शुरू किए गए विशेष कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पत्रकारों ने अपने परिजनों के साथ वैक्सीन लगवाई। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर मानते हुए टीकाकरण में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। वहीं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के कोरबा में कार्यरत नियमित ठेका कर्मचारी और उनके परिजनों सहित 13,000 से अधिक लोगों को अब तक कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। संयंत्र प्रबंधन और राज्य सरकार के सहयोग से संयंत्र में टीकाकरण का कार्य जारी है। वहीं रायपुर सेंट्रल जेल में महिला कैदियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने राज्य सरकार की ऑनलाइन शराब बिक्री नीति की आलोचना की है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोरोना संकट काल में भी राजनीति कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से गांवों में लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक करने की मांग की है। कोरोना महामारी के बीच बिलासपुर जिले के 15 ऐसे भी गांव हैं जहां जागरूकता और अन्य उपायों से ग्रामीणों ने खुद के साथ अपने परिजनों को भी अब तक कोरोना से बचाकर रखा है। इन गांवों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। लॉकडाउन के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने लोगों के घरों तक जरूरी सामान पहुंचाने की व्यवस्था की है। वहीं स्थानीय लोगों की टीम ने ऑनलाइन बैठक लेकर गांव में लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक किया है। इनमें तखतपुर ब्लॉक के 5 और कोटा ब्लॉक के 10 गांव शामिल हैं। जोगीपुर ग्राम पंचायत की सरपंच राजकुमारी बिंझवार ने बताया कि हर दिन गांव में मुनादी कराकर लोगों को जागरूक और सजग किया जाता है। वहीं पेंड्रा में अक्षय पात्र समिति कोरोना संक्रमित लोगों के घरों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाकर मानवता की मिसाल कायम कर रही है। समिति के अनुसार नगर और आसपास के क्षेत्रों में बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां सभी के बीमार होने की वजह से भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में समिति को फोन जर करते ही जरूरतमंद परिवारों के घरों तक दोनों समय का भोजन पहुंचाया जाता है।
दुर्ग जिले में ब्लैक फंगस से पीड़ित 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनका इलाज सेक्टर 9 अस्पताल में चल रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि ब्लैक फंगस के लक्षण वाले 4 संदिग्ध मरीज भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस की बीमारी से लोग पैनिक न हो, साफ सफाई की कमी के चलते कई बार ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने शासकीय व्यय में गत वर्ष की तरह ही चालू वित्तीय वर्ष में भी मितव्ययता बरतने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दौरान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद और अनुकंपा नियुक्ति पदों के साथ ही जो भर्ती प्रक्रिया जारी है उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इसी तरह पदोन्नति क्रमोन्नति के मामले वाले एरियर्स और वेतन वृद्धि पर भी रोक नहीं लगाई गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बीते 26 अप्रैल को सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी श्रमिकों को एकरूपता के साथ मजदूरी भुगतान किए जाने संबंधी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पत्र में केंद्र सरकार को बताया गया है कि मनरेगा के तहत एक ही ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वर्ग के श्रमिकों को मजदूरी भुगतान के लिए एफटीओ जारी किया गया है, लेकिन इसमें से केवल अन्य वर्गों को ही भुगतान हो रहा है। पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा बीते 1 अप्रैल से मजदूरी भुगतान के लिए वर्गवार राशि जारी किए जाने की वजह से यह दिक्कत आ रही है। राजनांदगांव जिले के सीमावर्ती गांव कामखेड़ा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। दोनों माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे कोहका के कामखेड़ा के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंचे, तभी माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया। करीब 1 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। घटना के बाद से इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। उधर दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र स्थित मुस्तलनार में भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक माओवादी को मार गिराया है। मौके से माओवादी के शव को अलावा विस्फोटक हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिले के कुआकुंडा थाना क्षेत्र के लोन वर्राटू अभियान के तहत 5 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। कोरोना संकट के बावजूद राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। अब तक 4,73,000 मानक बोरा से अधिक तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है। इस वर्ष 16,71,000 बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वनवासी तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य में लगे हुए हैं। ईद उल फितर का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य ईदगाहों में सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने घर पर ही नमाज अदा कर देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर यह पर्व मनाया जाता है। भिलाई के मरकज मस्जिद में इमाम हाफिज कासिम ने ईद की नमाज अदा कराई। आज प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया का पर्व अक्ति के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गुड्डे गुड़ियों की शादी की रस्म निभाई जाती है। छत्तीसगढ़ में इसे पुत्रा पुत्री की शादी भी कहा जाता है। हालांकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से राजधानी रायपुर सहित विभिन्न शहरों और कस्बों के बाजारों में इस बार मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों की बिक्री काफी कम हुई है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यह पर्व मनाया गया। आज ही के दिन से खेती किसानी का काम शुरू होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर आवश्यक होने पर ही बहुत कम पारिवारिक लोगों के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विवाह सम्पन्न कराएं। किसी भी तरह का सामाजिक आयोजन न करें जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस बीच राज्य सरकार ने अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार बाल विवाह होने की जानकारी मिलने पर पहले तो इसे समझाइश देकर रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन अधिकारियों की बात नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं राजनांदगांव में महिला और बाल विकास विभाग की टीम एक बाल विवाह को रोकने में सफल रही। और अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी से नमी आने और विदर्भ के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बनने की वजह से राज्य के मौसम में एक बार फिर से बदलाव के आसार हैं। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चढ़ने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं अन्य कई जगहों पर हल्की बारिश होगी या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
अब अन्य कुछ खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में कुछ अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य में स्थापित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके तहत राजनांदगांव जिले में शुरू किए गए 9 स्कूलों के लिए 10 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और बलौदाबाजार में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की तस्करी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 9000 रूपये कीमत की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9,50,00,000 से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी की। राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्च वहन करने का फैसला लिया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के 2 जिलों बिलासपुर और जशपुर में लॉकडाउन बढ़ाया गया और प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जा रहा है ईद उल फितर और अक्षय तृतीया का पर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।